जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी सिरसा की तरफ से, जहां पर दोस्तों मैनेजर और DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप 12वीं पास है, अगर आपके पास कोई डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, इसकी फीस क्या होगी, आपका एप्लीकेशन लेटर आपको कहाँ पर सेंड करना होगा। तो ये सब डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे चलकर ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसीज का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वैकेंसी का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिला आयुष सोसाइटी सिरसा सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तारीख दी गई है, आपका जो नंबर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया पद का नाम है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर और दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर। दो वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, दोनों जर्नल की है। और लास्ट डेट जो है दोस्तों, वो रहेगी 28 नवंबर, यानी कि 28 नवंबर को या इससे पहले आपका एप्लीकेशन लेटर जो है वो डिपार्टमेंट के पास सेंड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जिस पर आपको सभी डायरेक्शन मिल जाएंगी, पद का विवरण, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मिल जाएंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की सूची जो है आपको वहीं पर दी गई है। दोस्तों, ये एक शॉर्ट नोटिस है, तो आप इसको शॉर्ट नोटिस के तौर पर ही पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका एड्रेस भी दिया हुआ है, अगर आप एड्रेस पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो देखिए दोस्तों, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ DEO, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो दोस्तों, अगर डाउनलोडिंग की बात करते हैं पहले, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना होगा। उस लिंक से आप इस एप्लीकेशन लेटर को बगैर किसी परेशानी के और बगैर किसी पेमेंट के डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रिंट आउट निकलवा कर अपना जो एप्लीकेशन लेटर है उसे फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटो लगानी होगी। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, आपके फादर का नाम, आपका जेंडर, आप मेल है फीमेल है, आपकी DOB, आपकी जो DOB है दोस्तों बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद आपकी कैटेगरी का नाम, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपका टेलीफोन नंबर और मेल आईडी। दोस्तों, आपका जो टेलीफोन नंबर है, आपकी जो मेल आईडी है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी कि वैलिड होनी चाहिए, ताकि जो डिपार्टमेंट है वो आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट कर सके। अब इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो दोस्तों, आपके जो अलग अलग दो एड्रेस हैं, तो दोनों अलग अलग फिल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सेम एड्रेस भी आप यहां पर डाल सकते हैं। आपके हाउस नंबर, आपका विलेज, मोला सिटी जहां पर आप रहते हैं, आपका टाउन, और दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, ये सभी डिटेल्स आपको डालनी होगी। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है, आप यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले आपको बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा, कहाँ से आपने की है। इसके बाद आपने रेगुलर से की है, कोरेस्पोंडेंट से, या फिर प्राइवेट मोड से, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। किस ईयर में पास की थी वो डालेंगे, मैक्सिमम कितने मार्क्स के आपके एग्जाम हुए थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, परसेंटेज क्या थी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, ये सभी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। दोस्तों, इनसे रिलेटेड जो आपकी मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, वो भी आपको अटैच करनी होगी। सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है कहीं पर काम करने का, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। कितने ईयर्स, कितने महीने और कितने दिन तक आपने काम किया था, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसकी डिटेल्स आपको डालनी होगी, कहाँ पर आपने काम किया था, पोस्ट क्या था, कब से लेकर कब तक काम किया था, टाइम पीरियड क्या था, और दोस्तों आपकी सैलरी क्या थी, और आपको अटैच जो आपका जो सैलरी प्रूफ है, यानी कि आपकी जो सैलरी का जो प्रूफ होता है, वो भी आपको अटैच करना होगा। दोस्तों, अटैच करके आपको यहाँ पर सिंपली वाई लिख देना है। अब इसके बाद देखिए, आगे चलकर आपको यहाँ पर बताया गया है अटैच्ड एनी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपका आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड की फोटो कॉपी आप लगा सकते हैं। डिटेल्स ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अटैच, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच किया है उसकी डिटेल्स आपको डालनी होगी, जैसे कि आपके नंबर आधार कार्ड के, आपका नाम आधार कार्ड में, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको डिक्लेरेशन दी गई है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नीचे चलकर आपको सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर आपको डेट और प्लेस डालनी होगी। तो दोस्तों, इस तरह जो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमें DM करके अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसीज का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।